In this question we have given that young double split experiment and uh, we have to calculate the distance between the two slits which is denoted by the small d and uh, you can see that that angle is theta and the theta angle is called that is called the angular width which is which is denoted by angle theta and this is the formula of the angular width lambda and d, d is the this one. so we have to calculate the distance d already uh, wavelength is given so चलिए to find the value of small d and देखिए distance between the slits and uh, this is again formula same as it is likha hua hai lambda we will convert into the 6000 10 to the power minus 10 ye armstrong ki value hai यहाँ पे आपको दे रखा है वन degree और आप degree को change करेंगे इस form में देखिए radian के form में तो ये फॉर्मूला होता है रेडियन में कन्वर्ट करने का तो पाई डिवाइडेड बाय 180 एटी इंटू जीरो पॉइंट वन डिग्री सो एक काम करिए आप वन डिग्री के प्लेस पर हम ये वैल्यू सब्टीट्यूट करेंगे और लैमडा के प्लेस पर हम ये वैल्यू सब्टीट्यूट करते हैं अब देखिए हमने सारी वैल्यू यहाँ पर सब्टिट्यूट की है ये फ्रैक्शन के कारण ऊपर चला जाएगा थ्री जीरो इससे लेस हो जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको इस तरह से दिखेगा अब एक डेसिमल और ऊपर ले जाइए आप और टू जीरो और कम कर दीजिए जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो इसका वैल्यू होगा थ्री पॉइंट डबल फोर इंटू पावर माइनस फोर मीटर एंड स्मॉल डी का जो डिस्टेंस हमें मिलेगा वो स्मॉल डी का डिस्टेंस थ्री पॉइंट डबल फोर इंटू टू पावर माइनस फोर मीटर होगा